12 घंटा हो गया, हम यही रात से सुबह हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। हम लोग रात से थाना में है। हाँ, वो लोग जबरदस्ती घीस के हम लोग को लेके आया गया और 3 से 4 राउंड फायरिंग हुआ, और फायरिंग भी हुआ 3 से 4 राउंड। 12 घंटा उसका भी ज्यादा हो गया, अभी रिम्स में ही है, गोली भी फंसा हुआ है उनका, ना कोई सर्जरी हुआ है ना कुछ हुआ है। जो समाज का अगुवाई कर रहा है उसे ही पीड़ित, उसे ही आरोपी बनाया जाता है थाना के माध्यम से। वो लोग तो गर्दन सब धर दिए ना वो दीदी को, और फिर जींस ने चुनू कच्छा, दुर्गा कच्छा पूरा कपड़ा फाड़ दिया लड़कियों का। आज हम आदिवासियों का एक तो सबसे बड़ा दुखद बात ही हो गया कि उसके पास उसका जमीन है और जमीन ही उसका जान का दुश्मन हो गया है। हम बच्चे बड़े किसी को नहीं देखा जा रहा था, सबको मारा जा रहा था। प्रशासन का यहाँ का जो बात है, जो जवाब है, इतना ढोल मोल रवैया कि शर्म आता है ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारियों पे कि आदिवासियों के ऊपर इतना बेरहमी से हमला हुआ है। और अपराधियों कोई जात नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है, और अपराधी को पकड़ना आपका काम है, आपका दायित्व है। राजधानी रांची के अंदर आदिवासियों के जितने भी धार्मिक, सांस्कृतिक या कह ले रैयती जमीन है, उसकी लगातार लूट जारी है। हम इतनी सारी खबर कर चुके हैं जमीन को लेकर, जमीन बचाने को लेकर, जमीन लूट को लेकर। और यहाँ के जो धार्मिक संगठन के लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं यहाँ की आदिवासी जमीन बचाने की। फिर भी देखिए, यहाँ पर जो भूमाफिया होते हैं, जमीन दलाल होते हैं, वो आदिवासी जमीन दलालों को, माफियाओं को पकड़ कर आदिवासी वर्सेस आदिवासी को लड़ाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इसी तरह का एक मामला कल यानी कि बुधवार रात के 11 बजे के आसपास पुरानी रांची में हुआ है। आदिवासी भूमाफिया परिवार ने उसी गांव के रहने वाले 2 युवकों को गोली मार दी है। युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह मामला पुराना है। हम आपको बता दें कि हमारी चैनल में 11 फरवरी को एक स्टोरी दिखाई गई थी जो पुरानी रांची से संबंधित थी, और वहाँ जो डाली कतारी जमीन थी उसकी चार दीवारी भूमाफियाओं द्वारा कर दी गई थी, और ग्रामीणों ने उस चार दीवारी को संगठनों के साथ मिलकर तोड़ दिया था। और यह जो आदिवासी भूमाफिया हैं, दलाल हैं, उन्होंने ही गांव के लड़कों का नाम थाना में दिया था, केस दर्ज कराया था। और जो भूमाफिया है, जो बड़े तबके के भूमाफिया है, उनसे पैसा लेकर जो आदिवासी दलाल है, भूमाफिया है, वो अपने ही भाइयों के, पुरानी रांची के भाइयों के अगेंस्ट में जाकर उस जमीन को लूटने का काम किए हैं, गोली चलाने का काम किए। फिलहाल इस घटना को लेकर देखिए भू, यहाँ पर सामाजिक संगठनों के लोग आए हैं, पुरानी रांची इलाके के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो आए हैं यहाँ पर। युवकों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल बातचीत करते हैं यहाँ पर, प्रेम शहीद आए हैं। प्रेम साहिदा, घटना तो पुरानी है, 11 फरवरी की है, मामला चल रहा था कोर्ट में, केस भी हुआ था, कल अचानक ऐसा क्या हो गया कि गोली मारने की नौबत आ गई? देखिए, अपराधी का कोई जात नहीं होता है, और गांव वाला को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अपराधी थे, जो जमीन छीनना चाह रहा था उसको सामाजिक बहिष्कार किया गया था। उसी कड़ी में जमीन को छीनने के लिए उन लोगों ने हमारे लोगों पर गोली चलाया, तो हमारा यही मांग है कि अभिलंब गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार और धमकी भी दी जा रही है कि देख लेंगे, जान से मार देंगे, और इस तरह का बहुत अनेक तरह का धमकी दिया जा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने आया है। लेकिन अभी तक कितने घंटे गोली चली है, हॉस्पिटल में है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुआ है। मैं मांग करना चाहता हूँ, यहाँ के आदिवासी CM है, शर्म करो, और यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ के थाना प्रभारी से कि अभिलंब जो है गिरफ्तारी किया जाए, अन्यथा इस आंदोलन को तेज करेंगे और पूरे रांची बंद करने का काम करेंगे। अच्छा प्रेम साहिदा, डाली कतारी जमीन का वो नेचर था, जिसने गोली चलाई है वो भी भूमाफिया है क्या? वो भी आदिवासी है ना? देखिए, भूमाफिया का कोई जात नहीं होता है, आदिवासी भी हो सकता है, गैर आदिवासी भी हो सकता है। हम ये कह रहे हैं कि जो गैर आदिवासी भूमाफिया है, जो आदिवासी जमीन की लूट करते हैं, उन्होंने नया पैतरा निकाला है आदिवासी वर्सेस आदिवासी को लड़ाने का, वो चीज हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आदिवासी को आगे करके गैर आदिवासी लोग वहाँ पर, जो हमारी धार्मिक जमीन है, गरेही जमीन है, डाली कतारी है, भूमिहरी जमीन है, वो CNT Act की धाराओं में स्पष्ट कहा गया है कि जमीन न खरीद सकती है, न बिक्री किया जा सकता है, न बिक्री किया जा सकता है। फिर भी जो है आनन फानन
में कागज को जो है नियम कानून गैर कानूनी तरीके से उसको जमीन को छीना जाता है, पेपर बनाया जाता है। हम लोगों ने बार बार आवेदन दिया है, इसके बावजूद भी देखे इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। आने वाला समय हमें लगता है किसी को भी गोली मारा सकता है, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ जिसको गोली लगी है उसको अविलंब जो गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा इस आंदोलन को तेज करने का हम लोग काम करेंगे। निरंजना दी हमारे साथ हैं। निरंजना दी, जब थी वहाँ की ज़मीन को, वहाँ की चार दीवारी को जब तोड़ा जा रहा था संगठनों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, उस समय लगभग ग्रामीण एक तरफ थे, एक अकेला क्या परिवार ये था जिसने इसका विरोध किया था और भूमाफिया के तरफ से मिला हुआ था, कौन है ये परिवार? ये परिवार खुद गगन कच्छप जो भूमाफिया है, जो डाली कतारी जमीन का शुरू से अवैध तरीका से कब्जा कर रहे हैं, उसी के परिवार के लोग हैं। गगन कच्छप का। और अभी तक में जो कल की परिस्थिति में जिस तरह से देखा गया कि गोली लगी है 12 बजे और अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, और मतलब भूमाफिया और जमीन लूट के साथ अब इतना बड़ा उनको ये दे दिया गया कि वो गोली भी चलाए और अब पूरी तरह वो छूटे हुए हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, और पूरे ग्रामीण एक तरफ है, उसके बाद भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट नजर आता है कि इसमें थाना की संलिप्तता है। अच्छा, उस वक्त भी जब चार दीवारी तोड़ी गई थी, पुलिस ने ग्रामीणों पर केस किया था भूमाफियाओं के कहने पर, आप लोगों की जो अर्जी थी कि डाली कतारी जमीन पे चार दीवारी हुई है, इस पर क्या पुलिस ने कार्रवाई की थी या फिर नाम दिए गए थे ग्रामीणों के, नाम जो दिए गए थे उन पे कार्रवाई पुलिस कर रही थी, आपके तरफ से काम कर रही थी या फिर दलालों की तरफ से पुलिस काम कर रही थी? ग्रामीणों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जो भी जो ये भूमाफिया तीन लोगों का नाम दिया गया, ये स्पष्ट ग्रामीण है, उस जमीन को बचाना चाहते हैं, क्योंकि डाली कतारी हमारा जो भी सरना का जमीन है, देसावली का जमीन है, मसना का जमीन है, जो कि सेल होता ही नहीं है, न किसी से खरीद बिक्री होती नहीं है, तो कैसे डाली कतारी जमीन की सेल बिक्री हो रही है? पुलिस अब तक किसके तरफ से कार्रवाई कर रही थी? भूमाफिया के द्वारा के तरफ से वो काम कर रही थी, और इतने लोगों को थाना के द्वारा ये कोर्ट में दिया गया, नाम दिया गया था। कितने लोगों के ऊपर उस समय केस हुआ था निरंजना दी? स्पष्ट रूप से ग्रामीण बता पाएंगे कि कितने लोगों पर केस किया गया था, और उसी के आधार पर ग्रामीणों का कहना था जब इस तरह के लोग हमारे समाज में रहेंगे जो क्षति पहुंचा रहे हैं, तो उनको हम लोग सामाजिक बहिष्कार करेंगे। उसी का परिणाम स्वरूप उन लोगों को ईगो प्रॉब्लम हुआ और कल ये गोलीकांड हुआ है, यही सामाजिक बहिष्कार किया गया। तो कितने बच्चों को गोली लगा? इसमें गोली लगा गया क्या नाम है उसका, मुकुल खलखो को गोली लगा, और साथ साथ में जो आकाश की माँ है उसको पूरा सिर फाड़ दिया गया मार के, और उसके बाद उसके फादर को कोई मतलब नहीं था, बेचारे सोए हुए थे, वो आधार कार्ड उनके इलाज करने के लिए ला रहे थे, रिम्स में मांगा गया था, तो उनके फादर को घसीट के थाना लाया गया, तो पुलिस थाना लाया गया, घसीट के उसके बाप को लेके आए, उनके पिता पुलिस क्यों लेके आए? आप लोगों को पता है, मीडिया वालों के माध्यम से हम लोग हमेशा इस बात को रखने का काम करते हैं, या आप लोग भी रखते हैं, कि हमेशा पुलिस ग्रामीणों के पक्ष में नहीं रहती है, हमेशा दलालों के पक्ष में रहती है, तो इसी क्रम में उनके घसीट के लाया गया, यानी कि जो समाज का अगुवाई कर रहा है उसे ही पीड़ित उसे ही आरोपी बनाया जाता है थाना के माध्यम से, इसी कारण से उन्हें लाया गया। चलिए ग्रामीणों से भी बातचीत करते हैं, क्या नाम हुआ माँ? इधर बताइए ना क्या नाम हुआ? मीना खलखो। अच्छा, कितने बजे की यह घटना है? 12:30 बजे। कैसे पता चला आप लोग को? हम लोग जो सब खा पी के आराम कर रहे थे ना, तो बच्चा लोग तो छत में छोड़ते थे गर्मी के लेके, वो लोग को अंदर में सब मीटिंग करके, एक मुस्लिम को बाहर निकलते गली गाली उली बकते हुए एकदम निकल रहा है कि एकदम करेंगे कि मारेंगे गोली मारेंगे ऐसा करते हुए, तो छत से बच्चा लोग सुन लिया, तो वो लोग उतरा पकड़ो बोल के बोलते, तो गाड़ी लेके भाग गया, वो गाड़ी दाब के भागते गया, फिर इधर से ये लोग पीछे से निकल के पूरा ढेला पत्थर चलाने लगा था, वही समय ये लोग किया गोली मार दिया गगन कच्छप। कहाँ पे गोली लगा है? यहाँ पूरा मुँह से, हाँ, जबड़ा से गया है, से गया है, और अभी भी होश नहीं आया, नहीं, स्थिति गंभीर है। हाँ, गंभीर है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। राहुल है हमारे साथ। राहुल, क्या घटना की जानकारी अभी तक मिल पाई? आप लोगों को कैसी घटना
घटना की जानकारी मिली? हम लोग को भी जैसे सामाजिक अगुवा होने के नाते हम लोग को भी जानकारी मिली कि इस तरह से गोलीबारी हुई है, और यह विशेष रूप से देख रहे हैं कि सामाजिक जो अगुवा जो लीडरशिप कर रहे, जो जमीन बचाने का जो काम कर रहे, उनको विशेष टारगेट लिया जा रहा है। और आज इतना मतलब नीचे स्तर तक गिर चुके हैं कि आज देखिए कि एक दूसरे का जान लेने के लिए उतारू हो चुके हैं, और इसलिए आज यहाँ थाना का लोग अपने मांग के लिए आए हैं कि जितना जल्दी हो सके कि जो दोषीदार है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। लेकिन 12 घंटा से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक थाना की तरफ से वैसा बात नहीं आया कि उनको हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। तो एक गगन कच्छप का नाम स्पष्ट रूप से बाहर आ रहा है, इस गगन कच्छप को पकड़ के कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है पुलिस? वही तो बात है कि हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं कि जो सामाजिक अगुवा देख रहे हैं कि हर थाना का संलिप्तता वैसे जमीन मैटर में होता है कि जमीन मामला में हमेशा उनका एक्सक्यूज रहता है, और दोषियों को कार्रवाई करने की जगह जो मूल रूप से जो लड़ाई कर रहे, जमीन की लड़ाई कर रहे, उनको प्रताड़ित करने का हम लोग विभिन्न एरिया में उसी देखने को मिलता है, और वही थाना में हम लोग को आज यहाँ भी देखने को मिल रहा है, और यह बहुत निराशाजनक बात है। अच्छा, आप गए थे उसको देखने जिनको गोली लगी है, क्या स्थिति है? हमको जैसे जानकारी मिली कि उनको लगी है तो जाके स्थिति को वहाँ पे देखने को मिला। आज रिम्स का भी हालत हम लोग देखेंगे, किसी से छिपा हुआ चीज नहीं है, उनको गोली ट्रीटमेंट का जरूरत है कि जैसे रिम्स पहुंचा उनको तत्कालीन उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन अभी 12 घंटा उसका भी ज्यादा हो गया, अभी रिम्स में ही है, गोली भी फंसा हुआ है उनका, ना कोई सर्जरी हुआ है ना कुछ हुआ है, तो इतना विडम्बना हम लोग को देखने को मिल रहा है। और विशेष रूप से आदिवासी संगठन इस जो जमीन बचाने को लेके और भी आंदोलन करेगा। आज हम लोग देखते हैं कि सुभाष मुंडा के साथ भी वैसे ही हुआ, और आज तक उसका पूर्ण रूप से उसका भी अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। तो इस तरह से अगर किया जाएगा तो हम लोग बाध्य है समाज कार्रवाई करने के लिए, निश्चित तौर पे हम लोग बाध्य है। गांव की कुछ बच्चियां हैं जो स्पष्ट रूप से कल रात क्या हुआ था उसकी जानकारी दे रही हैं। कल रात क्या क्या हुआ था मैया? कल रात 10 बजे के आसपास उन लोगों ने लड़ाई स्टार्ट किया था, मामला शांत हो गया था, फिर लगभग 11:30 बजे वो लोग फिर से हमारे भैया लोग के पास आए और उन लोगों को उकसाने लगे कि अगर तुम लोग के पास हिम्मत है तो आओ हम लोग के पास लड़ने आओ। हम लोग के पास उकसाया गया, फिर भी हम लोग नहीं गए, लेकिन फिर वो लोग जबरदस्ती घीस के हम लोग को लेके आया गया, और 3 से 4 राउंड फायरिंग हुआ, और फायरिंग भी हुआ 3 से 4 राउंड, और जो फायरिंग किया गगन कच्छप किया है फायरिंग, और उसको हम लोग अपना आंखों से देखे उसके फायरिंग। आप गगन कच्छप को पहचानते हैं? अच्छे से पहचानते हैं, हमारे गाँव के हमारे पड़ोसी है। और जब फायरिंग हुआ उसके बाद एक भैया का गोली लगा, उसका जबड़ा यहाँ से गोली घुसा यहाँ पर, अभी अटका हुआ, अभी तक इलाज उसका नहीं हुआ है। और मेरी माँ को बड़ा सा बांस से मारा गया जो सिर फट गया, और हमको भी वही बांस से मारा गया, लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ। और दुर्गा कच्छप मेरे से दुर्व्यवहार किया, और यहाँ तक कि दुर्गा कच्छप गगन कच्छप का चचेरा भाई है, और ये क्या बोलते हैं, और गगन कच्छप की माँ वेरोनिका कच्छप मेरे भैया आकाश बेग को जानलेवा हमले की धमकी भी दी है खुलेआम। ये पूरा परिवार का लड़ाई में शामिल था? पूरा परिवार लड़ाई में शामिल था। अच्छा, जिनको गोली लगी है आपके भाई हैं? वो पड़ोसी वाले भाई हैं, और जो जिनको बांस से मारा गया है वो मेरी मम्मी है। अच्छा, महिलाओं के साथ आपके, अच्छा कपड़े भी फाड़े गए हैं? इधर भी फाड़ दिया गया है पूरा। अच्छा, ये देखिए कि क्या स्थिति है इस जमीन लूट में, यानी कि भू माफिया, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आदिवासी वर्सेस आदिवासी को लड़ाने का काम कर रहे हैं, आदिवासी दलालों के हाथों आदिवासियों को गोली मारने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से बच्चियों के कपड़े फाड़े गए हैं, रात से इसी यही स्थिति है मैया, कुछ छेड़छाड़ भी हुआ है? थोड़ा सा टच तो हुआ है, टच हुआ है, और प्लस जो मारा गया वो दर्द अभी उठ रहा है। देखिए ये बच्चियां हैं, ये साथ में कल रात में पूरी घटना में शामिल थी, कल किस तरीके से आप लोगों के साथ व्यवहार हुआ है मैया? छेड़छाड़ भी हुआ है, कपड़े भी फाड़े गए हैं। कल जब हम रात को गए थे तो हम बच्चे बड़े किसी को नहीं देखा जा रहा था, सबको मारा जा रहा था, छोटे बड़े सबको मारा जा रहा था, ना बच्चे को देखा जा रहा था ना बड़े बूढ़े को देखा जा रहा था। कौन मार रहे थे? वो गगन कच्छप के परिवार और गुनू कच्छप। कौन कौन, नाम बताइए? चुनू कच्छप, चुनू कच्छप, दुर्गा कच्छप और अक्षय कच्छप। सबको पहचानते हैं आप? पुलिस आपसे स्टेटमेंट लिए है कि नहीं अभी तक? नहीं लिए है। कहे
अभी तक तो उन लोगों को पकड़ा नहीं गया। हम 12 घंटा हो गया, हम यही रात से सुबह हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। लोग रात से थाना में है? हाँ, रात से अभी कोई मुंह ब्रश नहीं किया हुआ है, खाना नहीं खाया है, पानी तक नहीं पिया है। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस क्या बोल रही है? अब ना कुछ बोलती है ना कुछ करता है, जाएंगे फिर आपस आता है, जाता है फिर आपस आता है। उसके मतलब क्या है? एक दो लोग हॉस्पिटल में गूंज रहे हैं, अभी तक उसका डॉक्टर का इलाज नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है उसका, उस हालत उसका बिगड़ता जा रहा है, मगर कोई उसका रोक टोक नहीं है। क्या मतलब जो गोली चलाया है वो बच गया और जो मांगने आया है वो कुछ नहीं है। क्या लग रहा है पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही? वही लोग घूस खाए होंगे, घूस खाई होगी। जब हम लोग गगन कच्छप को पकड़े थे, जब मारपीट हो रहा था उस टाइम, तो थाना प्रभारी तो आए थे, तो वो बोले कि हम संभाल लेंगे, लेकिन वो संभाले नहीं। हम लोग को तो बोले कि जाकर के थाना में रिपोर्ट करो। हम लोग जब गए थाना पे रिपोर्ट करने, तो जब वहाँ पुलिस थी तो फिर गगन कच्छप भागा कैसे, हम वो जानना चाहते हैं। तो गगन कच्छप अभी भागा हुआ है? हाँ। आप पूरे मामले में उस वक्त थे वहीं पर गांव में, क्या क्या देखे मैया? मैंने देखा कि वो गन लेके आ रहे थे, फिर गगन को दिए मारने के लिए, फिर उसके मेरी बड़ी माँ जो अभी जिनको अभी हॉस्पिटल लेकर गया, उनको फिर बंगास से मारा गया, सर फट गया। और फिर कपड़े कैसे फाड़े? कपड़े वो लोग तो गर्दन सब धर दिए ना वो दीदी को, और फिर जींस में फाड़, चुनू कच्छा दुर्गा कच्छा पूरा कपड़ा फाड़ दिया। लड़कियों का बच्चे बूढ़े सब। तो ये सारा स्टेटमेंट पुलिस ली है कि नहीं आपसे? नहीं ली है। देखिए क्या मजबूरी है, आदिवासियों को जमीन भी बचाना है, आदिवासियों को अपनी इज्जत भी बचानी है, और अपनी इज्जत और जमीन बचाने के लिए, जान माल की रक्षा के लिए यहाँ कोतवाली थाना आए हैं। कोतवाली थाना रात से ही आप लोग आए हैं ना, कोई कार्रवाई नहीं हुई है? हो गया 12 घंटा हो गया है, अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं की। 12 घंटा हो गया है और अभी तक कोतवाली थाना कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पे प्रशासन देखिए बाहर खड़ी है थाने के बाहर, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो है। सोनूदा हमारे साथ है। सोनूदा क्या हालत है आदिवासियों की? जान भी बचाना है, जमीन भी बचाना है, लड़कियों की इज्जत भी बचाना है, 12 घंटे थाना में रहने के बावजूद प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्या क्या कहिएगा, क्या स्थिति है? आज बहुत दुखी बात है कि आज हम लोग बोलते हैं प्रशासन को अपना रखवाला समझते हैं, और रखवाला ही यहाँ पे कहीं ना कहीं आज अपराधियों को कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं आज ये साफ तौर पे दिखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर सारा चीज़ें वहाँ गोली मार दिया गया है, वहाँ जिंदगी और मौत के लिए बीच संघर्ष कर रहा है, और सिर में भी इतना जान को मारने की नीयत से एकदम बहुत बेरहमी से वार किया गया है, जो रिम्स में इलाज हो रहा है। और प्रशासन का यहाँ का जो बात है, जो जवाब है, इतना ढोल मोल रवैया कि शर्म आता है ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारियों पे कि आदिवासियों के ऊपर इतना बेरहमी से हमला हुआ है। और अपराधियों कोई जात नहीं होता है, अपराधी होता है, और अपराधी को पकड़ना आपका काम है, आपका दायित्व है, आप अपना दायित्व से कहीं ना कहीं आप अन्याय कर रहे हैं। फटे कपड़ों में बच्चियां थाने में आई हैं, पुलिस कुछ देख रही है कि नहीं? निश्चित रूप से इतना गंदा घिनौना काम किया गया है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस प्रशासन को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? यहाँ का जिला प्रशासन या विशेषकर थाना, कोतवाली थाना के पदाधिकारियों का ये सामने देख करके भी एकदम ऐसा व्यवहार और ऐसा जवाब की एकदम हम लोग को भी एकदम हम लोग फटी लग गया। अगर प्रशासन अभी 2 घंटे का समय लिया है, 2 घंटे के अंदर अगर अपराधियों को अरेस्ट नहीं करती है, तो आदिवासी समुदाय अभी 2 घंटा बाद आंदोलन करने के लिए अभी तत्पर है। देखिए यहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है, यहाँ पे काफी ग्रामीण आए हुए हैं। अजयदा हमारे साथ है। अजयदा यहाँ पे भूमाफियाओं की हिम्मत देख लीजिए कि यहाँ पे आदिवासी वर्सेस आदिवासी को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। आज आदिवासी परिवार ही बंदूक निकाल के दूसरे आदिवासी को मार रहा है, भले ही वो आदिवासी या दलाल कह ले या भूमाफिया कह ले, लेकिन यहाँ नुकसान तो आदिवासी समाज को ही है। कैसे देख रहे हैं इस मैटर? देखिए सबसे पहली बात है कि जो जमीन का जिस तरह से धड़ल्ले से जो खरीद बिक्री जो हो रहा है, जो गलत ढंग से हो रहा है, खासकर हम उस पर चिन्हित करके ये बोलना चाहते हैं प्रशासन को कि जो भी इस तरह से जो अभी प्रशासन कार्रवाई कर रही है, जो जमीन दलाल के जो वांटेड लोग उसको चिन्हित करके ताड़ी पार किया जा रहा है, इसको क्षेत्र बदल किया जा रहा है, मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ इसको तुरंत से तुरंत कानूनी कार्रवाई करके जिस तरह जो घटना घटी है
है। और इस घटना के पीछे जो लोग इसको अंजाम दिए हैं ऐसे लोगों को तुरंत जेल के पीछे डाला जाए, अन्यथा ये समाज और आक्रोशित होगा। और जिस तरह से समाज के लोग आपस में जिस तरह से लड़ाया जा रहा है, इस समाज के जो पीछे लोग हैं उसको भी चिन्हित करके उसको भी पकड़ने की आवश्यकता है, उसके ऊपर भी एफआईआर करके जेल भेजने की आवश्यकता है, ताकि तब जाके ये हमारा जिस तरह से आपसे जो संघर्ष चल रहा लड़ाई का ये थमेगा। और मैं यही पुनः एक बार फिर से प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि जिस तरह की घटना घटी है ये आपराधिक घटना है, इसको तुरंत से तुरंत कार्रवाई करके। 12 घंटे हो गए हैं, कार्रवाई के नाम पर जीरो है। बच्चियां यहाँ पे फटे कपड़ों में आई हैं, प्रशासन थाने में नहीं देख पा रही है, अभी तक बयान नहीं ली है, क्या बोलिएगा? देखिए अभी मैं तुरंत यहाँ पर पहुंचा रही हूँ, मैं मांग करना चाहूंगा अभी थाना प्रभारी या डीएसपी से मिलूंगा और कहूंगा कि कम से कम 12 से 24 घंटा के अंदर में जो भी इसके अपराधी पीछे है उसको घटना को अंजाम जो दिए हैं हाँ उसको अरेस्ट किया जाए, अन्यथा फिर हम लोग पूरा रांची इसको पूरा हम लोग मतलब आंदोलन करने के बाध्य होंगे। दादा क्या कहिएगा, स्थिति तो बहुत गंभीर है, फटे कपड़ों में बच्चियां यहाँ पर पहुंची है, गोली लगा है बच्चा, स्थिति गंभीर बताई जा रही है, ना जमीन बच रहा है, ना इज्जत बच रही है और ना ही जान बच रही है, क्या कहिएगा? आज हम आदिवासियों का एक तो सबसे बड़ा दुखद बात ही हो गया कि उसके पास उसका जमीन है और जमीन ही उसका जान का दुश्मन हो गया है, और इस जान को दुश्मन बनाने वाले कुछ ऐसे तत्व के लोग लगे हुए जो कि आपस में ही लड़ा के मारने मराने का काम को कर रहे हैं। लेकिन हमारे आदमी को इस बात को सोचना होगा, अगर हम किसी को मारते हैं या मारने का काम करते हैं तो हम किसको कर रहे हैं? अपने समाज को, अपने ही आदमी को क्षति पहुंचा रहे हैं, और ये राज और राजधानी दोनों के लिए शर्मनाक बात है। आप जो बड़े भूमाफिया हैं वो आदिवासी भूमाफियाओं को अपना एक क्या बोले जमीन लूटने का एक जरिया बना लिए, आदिवासी दलाल मरे या आदिवासी रैयत मरे, क्षति तो आदिवासी समाज को ही होने वाली है। हर हाल में निश्चित तौर पे क्षति हम आदिवासियों को होना है, और आदिवासी इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि हम आज अगर किसी के प्रति खड़ा हो रहे हैं तो वो कोई दूसरा नहीं, हमारा खुद का समाज का आदमी है, मेरा खुद का आदमी, अपना परिवार का आदमी है। अगर आज हम उसको मारते हैं या मरते हैं तो कौन बचेगा और कौन राज करेगा इस झारखंड में, और कौन अपना जमीन को बचा पाएगा? क्योंकि हम आपस में ही लड़ेंगे, आपस में इस तरह का खून खराबा काम करेंगे, और आज देख रहे हैं कि जिस तरह का लोभ लालच में आज हमारे आदमी आपराधिक तत्व तरह काम कर रहे हैं। ये गोली चलाना आज तक तो हम लोग कभी सोचा ही नहीं, हम लोग तो आज तक आदिवासी यही सोचे कि अगर किसी तरह का मामला होता है तो आपसी बैठ के सामाजिक तौर पर उसको सुलझाया जाता था, उसका आदिवासी अपने हिसाब से अपने तौर तरीके से उस समस्या का समाधान निकालता था। लेकिन आज समस्या का समाधान नहीं निकालना चाहता है, इसलिए कि वो चाहता है कि हमको कमाना है, और कमाने का चक्कर में वो अपना जान के साथ साथ दूसरे के जान का ही परवाह नहीं कर रहा है। लेकिन इस तरह का कब तक होगा और काहे होगा, इसका सवाल का जवाब चाहिए हमको आज प्रशासन से कि प्रशासन आज 12 बजे रात में गोली चली और अभी तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है और काहे नहीं कर रहा है? आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे कार्रवाई करने के लिए सबके सब तैयार हैं कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो सारे के सारे लोग रोड में उतरने का काम करेंगे और प्रशासन के खिलाफ खड़ा होने का काम करेंगे। क्योंकि प्रशासन अगर हमें सुरक्षा नहीं दे पा रहा है तो इस प्रशासन से हमें क्या उम्मीद और क्या भरोसा करेंगे? ऐसे प्रशासन का होना ना होना हमारे लिए व्यर्थ है। चलिए तो फिलहाल हम अभी कोतवाली थाना के बाहर है, पुरानी रांची के जो ग्रामीण है वो इस तरफ खड़े है, सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे स्थिति देखिए कि रात की घटना है और कम से कम यहाँ पर 12 घंटे बीत चुके हैं, जो यहाँ पे बच्चियाँ हैं जिनके साथ गलत काम हुआ है वो यहाँ पे फटे कपड़ों में थाना में है, अभी तक बयान नहीं लिया गया है, ना अपराधी को पकड़ा गया है। गगन कच्छप जो भू माफिया है उसका नाम पूरा गांव ले रहा है, उसके परिवार के लोगों का नाम ले रहा है, इतने सबूतों के बावजूद अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप ये समझ लें कि कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता है। और हम हमेशा कहते हैं कि जमीन के जो मामले होते हैं उस पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो पुलिस की वहां संलिप्तता होती है, तभी कार्रवाई नहीं हो रही है। और पुलिस के ऊपर इसी वजह से बार बार उंगली उठता है कि पुलिस पैसे ले लेती है, मामलों को दबा देती है, शांत कर देती है, कार्रवाई नहीं करती है। फिलहाल वर्तमान जो स्थिति है, यहां पे ग्रामीण कोतवाली थाना में आए हैं और जो बच्चा है जिसको गोली लगा है वो रिम्स में है, कार्रवाई अभी भी वहां पे जो उपचार होना चाहिए था अभी शुरू नहीं हुआ है, गोली उसके जबड़े में फंसी हुई है। अब देखना ये होगा कि वहां जान कितनी बच पाती है, यहां बच्चों की
इज्जत कितनी बच पाती है, जमीन कितनी बच पाती है। डाली कतारी जमीन का नेचर था। 11 फरवरी को हमने आपको स्टोरी दिखाई थी, वहाँ पे चार दीवारी हुआ था और चार दीवारी तोड़ने का काम इन्हीं ग्रामीणों के द्वारा किया गया था। और जो भूमाफियाओं का जो साथ दे रहे हैं, जो गैर आदिवासी भूमाफियाओं को जो आदिवासी भूमाफिया साथ दे रहे हैं, यानी कि गगन कच्छप, उन्होंने ही कल ग्रामीणों के साथ मारपीट की है, महिलाओं के कपड़े फाड़े हैं और बच्चों को गोली मारी है। फिलहाल यहां पर कोतवाली थाना आए हैं। अब देखना ये होगा कि 12 घंटे के बाद पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है, क्या गिरफ्तारी होती है या फिर आश्वासन तक ही यह मामला रहेगा। हमें कोतवाली थाना में कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जो हार रहेगा।